बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मौज़म अली, गोल्डन प्रॉपर्टी में खुश आमदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं रहमान गार्डन फेज़ 2 के अंदर, और मेरे पीछे जो आपको स्पेनिश घर नज़र आ रहा है, ये घर फॉर सेल है। ये घर कितने का है और इसका इंटीरियर कितना खूबसूरत है, आइए मैं आपको पहले विज़िट करवाता हूँ और आखिर में आपको बताऊँगा कि इसकी डिमांड कितनी है। आइए घर का विज़िट आपको करवा देते हैं। अच्छा जी, हम घर के अंदर जो है वो एंटर हो रहे हैं। ये मेन गैराज है, काफ़ी बड़ा है। बड़ी वहीकल यहाँ पे पार्क हो सकती है और दो छोटी वहीकल्स भी हों तो भी पार्क हो सकती हैं। ये बिल्कुल साथ वॉशरूम है और यहाँ से हम अंदर एंटर हो रहे हैं। बड़ा ख़ूबसूरत किस्म का उन्होंने फ्लोर किया हुआ है, वॉलपेपर खूबसूरत लगाए हुए हैं। आज कल ना लोग सीम से बचने के लिए वॉलपेपर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वॉलपेपर यहाँ पे चल रहा है सारा। ये जो है टीवी लाउंज है, बेसिकली बड़ा प्यारा बनाया हुआ है टीवी लाउंज। फ्लोरिंग बड़ी ख़ूबसूरत है। ये जी सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये मेन गैराज, और ये रूम है जी, फर्स्ट रूम, बेडरूम जो है ये देख लें। सीलिंग इंतहाई खूबसूरत और पेंट बिल्कुल सादा, और सादा पेंट ही खूबसूरत लगता है। ये वॉशरूम और ख़ूबसूरती से जो है वो उसे डिज़ाइन किया हुआ है। ये जी खिड़की है और उसके पीछे जो है वो एलिवेशन है। वुड का काम जो है वो अच्छा किया हुआ है, क्योंकि मैं इस काम को अच्छे से समझता हूँ। हम जा रहे हैं अब छत पे, और छत पे जाने से पहले ये किचन है जी। हाँ ठीक है, अच्छा स्टाइल है ये वाला, इट्स गुड। लें ये, इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग खूबसूरती से की गई है। ये एक दफ़ा फिर से दिखा दूँ, ये लें। अब यहाँ से हम आ गए हैं ऊपर, और ये टाइल्स खूबसूरती से लगी हुई है। ये टीवी लाउंज है जी, ये इसकी सीलिंग है, और दो जो है वो बेडरूम है ऊपर, तीसरा ये है, और ये किचन है। किचन जो है वो कदरे ये थोड़ा सा छोटा उन्होंने बनाया होगा, मगर कमरे बड़े बड़े बनाए हुए हैं। ये देखिए जी, काम तकरीबन जो है वो आखिरी मराहल में पूरा हो ही गया है। और ये यहाँ से गुज़र के ये वॉशरूम आ गया जी। किचन छोटा मगर वॉशरूम बड़ा, ये डिज़ाइनर की मुझे समझ नहीं वैसे आई, ये क्या उसने किया। लें जी, फिर से वापस जा रहे हैं यहाँ से, और ये दो रूम्स हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी। रूम काफ़ी अच्छा जो है वो मार्जिन रखा हुआ है रूम में, आप फर्नीचर वगैरह भी रख सकते हैं, बेहतरीन है। ये जिसका वॉशरूम है, और ये साथ जो है खिड़की, दोनों रूम्स के साथ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो जितने भी रूम्स हैं उनके साथ जो है वो विंडोज़ उन्होंने दी हुई हैं, ताकि हवादार कमरे हैं। काफ़ी ख़ूबसूरत घर है, ये देख लें। यहाँ से सीढ़ियाँ जाएंगी ऊपर, और ऊपर ममटी है। ओके, ये हम आ गए हैं जी ऊपर, और दरवाज़ा खोल लेते हैं। छत पे भी उन्होंने जो है वो मार्बल लगाया हुआ है खूबसूरती से, ये देखें। वो सामने आप देख रहे हैं, ये फेज़ 2 का जो है ना, ये जो बिल्कुल सामने है, ये मॉल है, शॉपिंग मॉल वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। स्ट्रीट का ओवरव्यू दिखा देता हूँ साथ, चारों तरफ जो है वो घर जो है वो तकरीबन बने हुए हैं, कुछ बन रहे हैं और बेहतरीन है। अच्छा जी, घर आपने देख लिया, काफ़ी ख़ूबसूरत घर है, नीट एंड क्लीन है और ख़ूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। इसकी डिमांड है जी 1,20,00,000 रुपए, मगर कोई सीरियस बायर हो तो ज़ाहिर बात है निगोशिएट की जा सकती है। अगर आप इस घर को ख़रीदना चाहते हैं, या आप कोई भी घर ख़रीदना चाहते हैं बैरिया टाउन लाहौर के अंदर, पार्क व्यू सिटी के अंदर, रहमान गार्डन के अंदर, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर हमारे मौजूद हैं,
आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या मज़ीद इंक्वायरीज़ के लिए आप हमारे ऑफिसेज़ में विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।